आतंक को HIV बताना सही है क्या? मतलब मैं अभी युवा हूँ, मेरा खून बहुत गर्म है, मेरे से मत पूछिए। मैं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, आपको जो बोलना है वो सब दिखाया जाएगा। वो तो अगर भेंट होता ना तो जो तलवार है ना, तो जो 10 करोड़ का इनाम रखा है महामंडलेश्वर ने गर्दन लाने का, अगर छूट मिले तो करने के लिए पूरा सक्षम हूँ। और हिंदू हूँ और मैं भगत सिंह को अपना आइडल मानता हूँ और उन्हीं के मार्ग पर चलूंगा और चलने का कोशिश करूंगा, और मैं कट्टर हिंदू हूँ। आपको लगता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए स्टालिन ने ये बयान दिया है? नहीं नहीं, ऐसा मुसलमान भाई लोग भी सही हैं, जो उन लोग को बैन जो बढ़ावा दिया जा रहा है उन लोग को कि आप गलत काम करो। तो कौन बढ़ावा दे रहा है? वो जो बाहर से हैं। तो ये मुसलमान क्यों नहीं समझते भारत के? समझ जाएंगे आने वाले समय में, वो लोग भी समझ जाएंगे। अरे वो कह रहे हैं मोदी को हटा लो, संविधान बचा लो, मुसलमान खतरे में है देश का। नहीं नहीं, मुसलमान भाई लोग भी खतरे में नहीं है, वो लोग भी सुरक्षित है। और कोई देश में देखिए ना क्या हाल हो रहा है उनका, एक भारत ऐसा देश है जो सुरक्षित है। सुरक्षित है। बताइए सनातन को लेकर जो बात हो रही है, स्टालिन का बयान आपने सुना होगा? बोलो सर, मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं बोल सकता, हमारे ऐसे शब्द नहीं है ना, खतरनाक वाले। अच्छा बोलो तो फिर क्या, क्यों दिया उन्होंने बयान? क्यों दिया? कन्वर्ट कर ले वो, हो जाए मुसलमान, हमें क्या दिक्कत है? कन्वर्ट कर ले मुसलमान, हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? ईसाई है, जो भी कोई हो, कन्वर्ट हो जाए मुसलमान, कर ले, धर्म बदल ले अपना। ईसाई भी क्यों कह रहा, क्यों कहते हो हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई? चुनाव से पहले ये HIV कहना सनातन को आप ठीक मानते हैं? वो खुद HIV है, उसका क्या कहेंगे? क्यों भाई, आपको क्या लगता है ऐसे बयान क्यों? देखते रहे वो पहले से एक्टर ही तो था, उदयनीत एक्टर ही तो था पहले, हाँ हीरो तो था। ऐसे बयान सुन के बनाया उनको, किसी ने नहीं पक वो कर रहा है। दिल्ली में जी सम्मेलन हो रहा है, कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, किसके उस पर आ रहे हैं? उन्हें नहीं पता इस बात का, वो तो कह रहे हैं कि HIV है, सनातन को खत्म कर दो, बदल लेगा। उसे कहता बदल ले। इससे पहले जब ये कोई नेता बाहर से आता है ना, तभी ये बयान देते हैं। काम करो, इससे पहले इसके बाद मिलेगा, 24 के बाद मिलेगा, बस अपने आप पता चल जाएगा। और कहना मुसलमान वोट दे रहा, वो भी तुम्हें 24 के बाद ही पता चल जाएगा। अगर ये बात इस्लाम के लिए कही जाती, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने काट दी जाती, अब हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अगर हाँ। राजस्थान में हाँ। जब उन्होंने इनके मोहम्मद उम्मद जो भी बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला, फिलहाल लालू यादव और राहुल गांधी तो मटन बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए चुनाव का बोल रहे हैं कि हम मंदिर में हम तो प्याज तक नहीं खाते, हम मटन कैसे खा रहे हो पे? अभी तो बोलते थे हम मटन में कुछ नहीं होता, हम अकेला ही रहता है, ध्यान रखना, सारे अंगूर इकट्ठे हो जाए पर आम अकेला ही चलेगा, ध्यान रखना बात। तो भाई ये बताओ, अब जैसे आप एक हिंदू हैं और जब जिस धर्म के लिए कहा जाएगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सनातन भी कुछ नहीं है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है, भगवान राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, इनको बात इतिहास ही नहीं है, हमारा हजारों सालों का इतिहास है, इनका इतिहास ही कोई बहता पानी है, और 1400 सालों का इतिहास है, हमारा तो कई हजारों सालों का इतिहास है, वेद पुराण XYZ किसी भी चीज में पढ़ लीजिए आप, हजारों सालों का। भाई साहब मैं तो दुकान पे बैठता हूँ, दुकानदार हूँ, सब कुछ मालूम है मेरे को। ये बताइए क्या हिंदुत्व को लेकर जो ये बयान दिया जा रहा है चुनाव से पहले, स्टालिन का ये बयान, कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेस के नेता ने भी ये बयान दिया, वेणुगोपाल ने दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, जो भी दे रहा ना देने दो, अयोध्या मंदिर बन रहा है सारे भूल जाएंगे बस। अब ये उत्तर उत्तर को उत्तर में अब इनको पता लगेगी, जब ये वोट मांगने आएंगे ना, इनको एक एक जैसे यहाँ बता रहे हैं, जैसे अभी अशोक गहलोत जो घूम रहा है उसे मोदी मोदी कहा जा रहा है, घूम रहा था ना कल वो, उसके आगे लोकबाग मोदी मोदी चला, ऐसे ही होगा इनके साथ भी। क्यों जी, आपको क्या लगता है किसी तरीके से आप देखेंगे तो सनातन का अपमान भी हो रहा है इसी देश में? स्टालिन का बयान आपने देखा होगा, सनातन को HIV और डेंगू से कंपेयर किया है, मुझे लगता है एक हिंदू के लिए क्या इसके लिए सोच होनी चाहिए? जो उन्होंने कंपेयर किया ना वो उनकी वामपंथी सोच है, जो सनातन में यहाँ पर ये आज हम हरिद्वार में खड़े हुए हैं, ये सनातन की बहुत बड़ी नगरी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, यहीं पर सबने आना है, यहीं पर आके हो जाना है, बाकी जो ये चीज़ बोलते हैं ना बहुत गलत बोलते हैं, वो सिर्फ एक अपना राजनीतिक लाभ सोचकर बोलते हैं। आपको लगता है कि मुसलमानों को रिझाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? वो सर कौन क्या क्या बयान देता है, वो तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद तो जिंदाबाद, आएंगे तो मोदी आएंगे मोदी। ये बताइए अभी सनातन पे जो चोट हुई है उसे आप कैसे देखते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दो? ये तो बहुत गलत चोट करी है इन्होंने, बहुत ज्यादा गलत बोले हैं, इतने बयान इन्होंने गलत दिए हैं, भाई साहब बता नहीं सकता सनातन के ऊपर क्या लगता है? ये गालियां पकड़ रहे हैं, ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उतना अपना नुकसान कर रहे हैं ये लोग, सारी पार्टी अपनी नुकसान कर रही है। हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या उन्हें चाहिए नहीं हिंदुओं का वोट? वो तो चाहते ही नहीं है कि उनके हिंदुओं का वोट तो सारे ही मिले ही उनके साथ। यार वो बीजेपी पर लग रहा है कि 24 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी, धर्म की राजनीति करेगी, देश में दंगे कराएगी और 24 का चुनाव जीतने जा रही है। एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में कितने दंगे हुए और बीजेपी को 10 साल राज करते हुए कितने दंगे हुए, जरा कैलकुलेशन करके बता देना, ये बदनाम करने वाली बातें हैं। वो कह रहे मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, मेवात में देख लो क्या हुआ, सब बीजेपी के राज में हो रहा है। क्यों कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हो रहा था? 70 साल कांग्रेस के राज में उन्होंने 70 साल देश को लूट के खाया। कांग्रेस 2 महीने तक आर्मी भी नहीं पहुंची थी,
देखिए जी, सनातन पे आप बताइए, सनातन पे अपमान हुआ क्या लगता है आप? देखो जी, जो हमारे हिंदू सनातनी है, अगर उनको इस बात का पता है कि भी अगर हमारे देश में हमारे घर में आकर कोई हमारे सनातन को गाली देगा, तो वो चाहे फिर कोई मुसलमान कर रहा है या किसी भी धर्म का आदमी कर रहा है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ही सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा कि इनके लिए क्या एक्शन होगा। आपने सुना होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया है सनातन को खत्म करने का, उसे आप कैसे देखते हैं? ना सनातन खत्म हुआ है और ना कभी होगा, ये नहीं। आप कैसे देखते हैं इस तरीके के बयान जो है, क्या राजनीति से प्रेरित है, क्या दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए है? नहीं नहीं, देखो जो चीज गलत है वो गलत है, इस चीज को तो बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, क्या सनातन को मिटा देना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, सनातन धर्म बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, सनातन धर्म से ही हमारे देश की पहचान है। उन्होंने कहा कि सनातन एचआईवी है, डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको मिटा देना चाहिए। उनके कहने से क्या होता है, हरिद्वार पे हर की पौड़ी की भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ये सनातन पे जो बयान दिया उसे आप कैसे देख रहे हैं, खत्म कर दो सनातन को, एचआईवी तक बताया है सनातन धर्म? इतना गलत बोले हैं भाई साहब, इन्हीं लोगों को खत्म कर देना, ये चाहे सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मोदी जैसे कोई धरा नहीं। आप यूपी में देख सकते हैं सारे चोर, योगी का कितना नाम है, हर आदमी कहता है कि योगी होना चाहिए यूपी में, यूपी में कितना सुधार है। बयान दिया है ना स्टालिन, उनको तो अभी तो हम बिहार के हैं प्रॉपर, अगर बिहार में आके बोलेगा तो बहन चोद वहाँ कट्टा करा चलता हम लोग। सूरज चांद रहेगा, मोदी मोदी नाम रहेगा, मोदी को जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।